हे गाइस, वेलकम टू टेक फॉर मी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इनायत। ओके, तो आज हम बात करने वाले, अगर आप ऑनलाइन से एक फोन ऑर्डर करना चाहते हो, कोई भी वेबसाइट से फोन ऑर्डर करना चाहते हो, या मान लो आप बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जहां पे सेलर से आप मिल सकते हो और वहां से फिर फोन ले सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चाहे हो सकता है वो आईफोन हो, चाहे हो सकता है वो सैमसंग हो, कोई भी फोन हो सकता है, कोई भी कंपनी के फोन। तो कोई भी फोन लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स बताऊंगा जो जेन्युइनली आपको फोन प्रोवाइड करती है और वो जेन्युइन है और वो फ्रॉड नहीं है, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो फिर एक छोटा सा इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो आपको एक ऑनलाइन फ़ोन लेने से पहले या ऑनलाइन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने से पहले आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपको अवॉइड करना है फेक वेबसाइट। बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में। यहाँ पे आपको 90% आपको फेक वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको आईफोन, जहाँ पे आपको सैमसंग, कोई भी कंपनी का फ़ोन, अच्छे अच्छे हाई एंड फ़ोन आपको सिर्फ 10,000 रुपये 12,000 रुपये मिलने वाले। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें स्पेंड करते हैं और उनका पैसा बेकार जाता है। तो गाइस, आप नॉर्मली आप सोचिए कि एक कोई भी एक आईफोन 12 आपको 12,000 15,000 20,000 रुपये में नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में ज़रूर रखना है। और सेकंड पॉइंट की बात करते हो, कभी भी आप ऑनलाइन से कोई भी फ़ोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसे वेबसाइट से आप बाय करते हो, तो सबसे पहली बात आपको COD में करना है, ना कि आपको डायरेक्ट पेमेंट करके करना है। फॉर एग्जांपल, देखो ये जो वेबसाइट होता है ये आपका फ्लिपकार्ट या अमेजन के जैसा नहीं है, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो या कुछ भी आपके साथ हो सकता है, आपका जो पैसा है वो गलत जगह पे इन्वेस्ट हो। इसे आप खोल के देखिए और अगर आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप उस टाइम उसको रिटर्न की या कॉल करके आप बात करिए, कम से कम आपका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट आप अमेजन में ये चीज़ कर सकते हो, वो एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड, वहाँ पे आपको फ्रॉड होने का चांस बहुत ज़्यादा कम रहता है। 99% आपका ऐसे चांस रहता है कि वहाँ पे फ्रॉड कम होगा आपके साथ। लेकिन इन वेबसाइट में ऐसे बहुत बार हो चुका है, बहुत सारे लोगों को फ़ोन वहाँ पे फोटोज़ में अच्छे दिखे हैं लेकिन वो लाने के बाद रिफर्बिश फ़ोन जो अच्छे नहीं मिले, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी। देखो, अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या होता है, टेक गिग नहीं होते, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सेलर का कॉन्टैक्ट ले सकते हो, उनसे जाके मिल सकते हो और फिर आप फाइनलाइज कर सकते हो। तो उस टाइम क्या करना है, आपको 100% जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल आप एक फ़ोन लेने जा रहे हो, तो वहाँ पे जाने के बाद आप तो हर फोन कंपनी का एक सीक्रेट कोड होता है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जितना हो सके मैं दे दूंगा, उस कोड को वहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सीक्रेट मेनू नहीं लग रहा है तो आपको ऐसा नहीं शर्माना नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको बोल देना कि भाई यार जचा नहीं है मेरे को, आप फ़ोन अपना रख लो, सॉरी यार आपने टाइम दिया है। आपके जो मेहनत के पैसे वो गलत जगह पे वेस्ट क्यों करना है जहाँ पे आपको खुद मन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला कुछ ऐसे वेबसाइट जहाँ से आप ऑनलाइन मोबाइल ले सकते हो, तो और वहाँ पे आपको जेन्युइन चीज़ें मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट का रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी मैं आपको वेबसाइट बताऊँगा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें लिए हुए हैं और मैं आपको लास्ट में ये बताऊँगा कौन सा वेबसाइट बेस्ट। ओके, अगर पहले वेबसाइट की अगर हम बात करते हुए टू गुड, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, ये एक फ्लिपकार्ट का एक सब ब्रांड या सब वेबसाइट कुछ भी बोल सकते हैं, फ्लिपकार्ट ओन करता है इसको। इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं लेकिन मैं आपको इसमें रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें जो फोटोज़ में जो रिफर्बिश प्रोडक्ट दिखते हैं आने के बाद आपको सेम उस टाइप के नहीं मिलने वाले, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बता रहा हूँ। और आप बहुत सारे फ्रॉड वीडियोज़ टू गुड के नाम पे आप YouTube में चेक कर सकते हो, आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। ओके, अगर हम नेक्स्ट वेबसाइट की बात करते हो, है कैशिफाई, जहाँ पे आप फ़ोन ले सकते हो, अपना फ़ोन को सेल कर सकते हो, ये एक अच्छा जेन्युइन वेबसाइट है। लेकिन गाइस, इसका एक 2-3 प्रॉब्लम है, मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप कोई फ़ोन सेल करना चाहते हो तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस मिलता है, और अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। देखो, कोई भी एक रिफर्बिश प्रोडक्ट अगर आप लेते हो, इससे अच्छा प्राइस में आपको बहुत सारे और जगह है जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ दिक्कत है, बाकी ये जेन्युइन है, आप कभी कभार अगर अच्छे डील मिलते हैं तो आप इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। ओके, अगर नेक्स्ट वेबसाइट की बात करते हैं क्विकर, क्विकर गाइस मैं आपको लिटरली बता दूँ, ये क्विकर का मैं बहुत बड़ा फैन था पहले इस वेबसाइट का। कभी भी अगर कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन या कोई भी सेकेंड कैमरा या कोई भी चीज़ आपको रिफर्बिश्ड या बहुत सारे चीज़ें सेलर से बात करना, तो ये वेबसाइट बहुत अच्छा था।
लेकिन गाइज ये वेबसाइट का यूआई अभी इतना ख़राब है तो मैं आपको ये वेबसाइट रिकमेंड नहीं करता, ये कुछ परफेक्टली काम नहीं करता है और इसमें से आपको सही चीज़ें नहीं मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर फ्रॉड लोग मिलेंगे, जो लोग आपको आईफोन 10,000-12,000 रुपये में देने वाले, तो वो देने वाले नहीं है, आपसे बस पैसे लेंगे और आपके साथ फ्रॉड होगा, तो इसके साथ मत जाए। सेलबडी अगर आपने नाम नहीं सुना है तो ये मैं आपको बता दूँ, ये एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। और ये क्या है, इनका एक महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टोर्स है, वो स्पेशली एप्पल के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अगर आप उनके वेबसाइट में जाते हो तो आपके एक जो नॉर्मल शोरूम में जो प्राइस मिलता है उससे आपको थोड़ी कम में जेन्युइन प्रोडक्ट और अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको 98% है बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेंगे। आप व्हाट्सएप में बात कर सकते हो और कॉल करके भी बात कर सकते हो, आप अगर आप कोई भी फ़ोन लेना चाहते हो, स्पेशली वो एप्पल के प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सेलबडी को चेकआउट जरूर कर सकते हो। ये सारे वेबसाइट के लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हर वेबसाइट में जाइए और चेकआउट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपने OLX का नाम कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, अगर आप एक सेकंड हैंड फोन लेने की सोच रहे हो तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे जितने भी वेबसाइट बताया है जो सबसे बेस्ट है वो है आपके लिए OLX। ये हो, इसके बाद आप WhatsApp नंबर लेके सब कुछ कर सकते हो, आप सेलर से जाके मिल सकते हो, फोन को देख सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मना कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक सेकंड हैंड चीज लेना चाहते हो तो OLX है सबसे बेस्ट। यहाँ पे जितने भी मैंने वेबसाइट आपको बताया, ठीक है, ये वेबसाइट में आप ऑनलाइन मंगवाओ, फिर आने के बाद क्या होता है, आपको जो दिखता है वो नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आप OLX से ऑर्डर करो तो वहाँ पे क्या होगा, आप चीज़ों को अच्छे से जाके देख सकते हो। अगर आप मान लो एक फ़ोन लेना चाह रहे हो, अगर 30,000 रुपये आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो सही जगह पर इन्वेस्ट करो, और यहाँ पर आपको फ्रॉड होने का चांस भी बहुत कम रहता है। लेकिन मैं आपको OLX के बारे में एक चीज़ बता दूँ, OLX में जितने भी पोस्ट में आपको यहाँ पर COD लिखा रहता है उन पोस्ट से बात नहीं करना है, वो स्पेशली फ्रॉड होते हैं। वो क्या करेंगे, आपका व्हाट्सएप नंबर लेंगे और आपसे बाद में बोलेंगे कि आपके यहाँ पे कुछ चार्ज वगैरह नहीं हो, लास्ट में आपको बोलेंगे कि आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, आपको डिलीवरी चार्ज 500 रुपये पे करना पड़ेगा और आपके फ़ोन आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर क्या होगा, आपके पैसे ये 300-500 रुपये जो भी देते हो आप वो डूबेंगे 100% और आपको कोई भी फ़ोन नहीं मिलने वाला। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो से आपका 1% भी हेल्प हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बहुत ही तगड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहना, जय हिंद।